रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो हर भाई बहन के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। रक्षाबंधन यानी राखी का त्यौहार हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस साल रक्षाबंधन 2024 में 19 अगस्त को मनाया जाएगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात 9:08 तक रहेगा। इस टाइम के बीच आप बिना किसी चिंता के अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि इस साल भद्राकार सुबह 5:53 से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। भद्राकाल के दौरान राखी बांधना अशुभ माना जाता है, इसलिए कभी भी भद्राकाल के दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं इनके पीछे की कुछ कहानियाँ, ये त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का इतिहास बहुत पुराना है और इसको लेकर कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार एक बार शिशुपाल श्री कृष्ण का अपमान कर रहा था, तभी कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। इसी दौरान कृष्ण जी की उंगली कट गई और उंगली में से खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया। तभी कृष्ण जी ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का वचन दिया और कहा कि जब भी वो किसी परेशानी में होंगी तो कृष्ण जी उनकी रक्षा करेंगे। बाद में जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, तब द्रौपदी ने कृष्ण जी को याद किया और कृष्ण जी ने अपने वचन को निभाते हुए अपनी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दूसरा सैन उसे खोल नहीं पाया। इसी तरह कृष्ण जी ने द्रौपदी की रक्षा करते हुए उनकी लाज रखी। वहीं एक और प्रचलित कहानी रक्षाबंधन से जुड़ी है, वो है रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की। 16वीं शताब्दी में चित्तौड़ के राजा की मृत्यु हो गई थी, तभी रानी कर्णावती को बहादुर शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें उससे खतरा महसूस हो रहा था। इसलिए अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी को स्वीकार किया और अपने भाई होने का फर्ज निभाते हुए तुरंत अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की तरफ रवाना हुए। हालांकि जब तक हुमायूं वहां पहुंचते तब तक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। फिर भी हुमायूं ने रानी कर्णावती के सम्मान और रक्षा के लिए अपनी सेना को वहां तैनात रखा। मान्यता है कि ये कहानी भी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। तो यही थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ लोकप्रिय कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।